अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई दो दिन से मैं गायब हूँ। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि मैं एकदम से गायब हो जाऊँ और बिना बताए गायब हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बस यार मैं डेली ब्लॉगिंग कर करके थक चुका था, तो मैंने सोचा कि दो से तीन दिन का अगर मुझे रेस्ट मिल जाए मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। और फिर से गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मुझे सारा दिन अपने परिंदों को देखना पड़ता है, इनके पास आना पड़ता है, इनके पानी का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो पिछले साल की तरह जैसे सिर्फ मोबाइल के एक टच से इन्हें पानी वगैरह का सिस्टम जो था ना मिल जाता था, ये नहा लेते थे, वो सारा कुछ भी अभी मुझे करना है क्योंकि सर्दियों में हमने सारा कुछ उतार दिया था, तो मुझे उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। ऊपर से मैं होता भी अकेला हूँ, तो इसलिए फिर सारी मेहनत खुद ही करनी पड़ती है। तो अभी बस एक दो दिन मुझे और लगेंगे। एक तो मैंने बिल्कुल ख़ुद भी अच्छे से रेस्ट करना है, अपने परिंदों को रेस्ट करवाना है, इनकी सारी चीज़ें पूरी करनी है ताकि आगे इतनी जो तेज़ वाली गर्मी है ना उसमें हमारे परिंदों को कोई मसला ना हो। अभी भी मैंने शुएब अख्तर को देखे, वो बेचारा उस कॉर्नर में वो देखे वहाँ पर, और उसका मुँह कैसे खुला हुआ है। लेकिन उसे पानी भी मिल रहा है, उसे दाना भी मिल रहा है, सब चीज़ें उसमें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी है कि अगर दिन में 3 से 4 दफ़ा इनका पानी ना चेंज किया जाए तो वो भी प्रॉब्लम है। तो फिर यहाँ से उस घर तक फार्म हाउस तक जाएं, बंदा वापस आए, इस गर्मी में बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। जिसकी वजह से मैंने सोचा है कि 2 से 3 दिन तक मैं इंशाल्लाह रेस्ट करूँगा और उसके बाद फिर मैं बिल्कुल फ्रेश होकर ना आपसे मिलूँगा। तो तब तक आपने परेशान नहीं होना, बल्कि इसलिए वीडियो देखें और इन्जॉय करें। अल्लाह हाफिज़।